गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का अनिल ब्लॉग्स में। तो मैं मम्मा हिलाइए मत। ओके, आज मुझे रैयान गाइड। मम्मा शांत रहिए, थोड़ा सेट करने दो। ओके, सेट हो गया, अब तो बोल सकती हूँ। हाँ, चलिए। सो गाइस, मैं एक और न्यू और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और आप लोग के साथ मैं अभी आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी से, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइस, क्या बीच सेटिंग से आप हिला दे रही हो? अच्छा, और गाइस अभी मेरा आज है रोजा और मैंने नमाज फिर से हिला दिया। कल मैंने क्या हुआ सेटिंग से। आप लोग सुन रहे हैं ना बकरे की आवाजें यार, आसपास सभी क्या बकरे आ गए हैं। और गाइस, मैंने ना शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हमदा वेट, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और अभी शॉपिंग में मैंने मंगाया था रैयान के लिए ड्रेस मंगाई है, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी बहुत ज़्यादा, और हमने मीशो से मंगाई है। तो सोचते हूँ कि आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा निकला ना तो मैं एक और ऑर्डर करूँगी हमजा के लिए, क्योंकि ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो ये है गाइस मेरा ऑर्डर, टन 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 टन। यस, आप ये पकड़ेंगे। ये बताओ इसके अंदर क्या है रैयान? अरे इनके अंदर में ड्रेस नहीं, जल्दी गेस करो, जल्दी जल्दी। रैयान की ड्रेस है मेरी ड्रेस ना। यस, तो गाइस ये मेरी ड्रेस है, अब इसको मैं ही पहनूंगी, ठीक है? अगर मेरी आर्मी ड्रेस आई तो मैं पहन लूंगी, मेरी है ना। अरे छोटी सी होगी, मेरे साइज की नहीं पहनूंगी। नहीं, बड़ी सी होगी, छोटी सी नहीं होगी। तो चलिए इसको फाड़ते हैं। हाँ, वो तो जिसकी भी ड्रेस होगी ऐसे ही आ जाओ, इधर आ जाओ, मुझे खोलने दो, दिखेगा नहीं, इधर आ जाओ। मैं भी बात, तो चलिए बिस्मिल्लाह करें। हाँ, पक्का करो, मेरा है ये। टन टन, दिखाने तो दो। ये तो अच्छी है, वो भाई फुल में तो बढ़िया है। ये तो मुझे लग रहा हमजा को आएगी, बहुत बढ़िया यार, ये तो फुल है। वही करो, इसको ऑर्डर कैसे करना? मम्मा दिखा दे पजामा, मम्मी लाओ मुझे वही। नहीं वही ठीक है, रैयान के साइज देखो क्या सही है। रैयान का सही है, ये रैयान के लिए ही है। चलो भाई के, भैया के लिए हम दूसरा ऑर्डर कर रहे हैं। क्या फ्रीजर से लेकर आओ, हम पन्ना इसमें डाला जाएगा। रैयान आ जाओ। और गाइस देखो, ये हमारा इफ्तार रेडी हो गया है, मैंने यहाँ पर ये सेवई भी बनाई है। ये है गाइस आम पन्ना, मैंने बना के रखा था। तो गाइस मैंने रोजा खोल लिया है और नमाज भी पढ़ ली थी, उसके बाद थोड़ी देर में लेट गई क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। और गाइस ये मेहंदी है, इसके मुंह पर ना मेहंदी जम चुकी है, जम मैं देख लूंगी। मेहंदी भी लगानी है अभी क्योंकि कल है ईद। तुम लगाओगे? बकरा ईद। यस, ये देखे मार्केट से आने के बाद मैंने लगाई मेहंदी और ये सूख भी गई है, और ये मैंने हाथ पे लगाई है, अपने आप से लगा रही हूँ, पीछे कुछ भी नहीं लगाई है, आगे बस ये कोशिश की है। बीच का फूल ना बहुत ख़राब हो गया है, और ये पैरों की लगाई, ये दोनों भाई छुड़ाने में लगे हुए थे। तो फिलहाल तो मेरी ये पैरों की मेहंदी जो है वो डन हो गई, क्योंकि मैं यहाँ भी फूल नहीं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं पीछे नहीं लगा रही हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझसे बनेगा ही नहीं, आगे तो बहुत मुश्किल से बनाया। और एक चीज़ दिखाऊँ आप लोग को गाइस, ये देखो मेरी फ्रिज में इतनी सारी बर्फ़ जम गई है और ये तक जाम हो गया है। जब ये घूम नहीं रहा है तो बर्फ़ डिफ्यूज़ नहीं हो रही है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि फ्रिज को ऑफ़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये करीब 2 घंटे बाद देखूँगी, तब ये साइडें छोड़ देगा, फिर मुझे ये पूरी बर्फ़ निकालूंगी। सबके कपड़े मैंने निकाल दिए, जल्दी से प्रेस कर देती हूँ। और मैं ना मेहंदी लगाने के बाद सो गई थी, सोकर उठी तो ये देखो मेरी मेहंदी का कलर। मैं बस थोड़ी ही देर सोई थी और फिर उसके बाद 5 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि 7 बजे नमाज के लिए जाना था। तो मैं 5 बजे उठ के मैंने लोग के कपड़े प्रेस किए, फिर उसके बाद हस्बैंड जी बच्चों को सबको उठाया और फिर ये लोग भी रेडी हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है ईद की सुबह सुबह का वक्त और दोनों बच्चे रेडी हैं, हस्बैंड जी रेडी हैं, ये सारे तैयार होकर खड़े हैं कि पापा जी हमारे मेहंदी लगाइए। रैयान ने दिखाओ
रैयान की मेहंदी पे क्या लिखा? अरे इधर से ही दिख रहा था, ऐसे उल्टा पड़ जाएगा। वैसे दिखाओ, हाँ रैयान लिखा, ईद मुबारक हो सबको। वो वाला दिखाओ, ये देखें इस पे लिखा है रैयान मंसूरी। और अभी दोनों भाई को लगवाना है इत्र, तो इसलिए दोनों भाई वेट कर रहे थे कि पापा कब मेरे इत्र लगाएंगे। तो अभी ये दोनों लोग, तीनों लोग एक्चुअली रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, है ना बिट्टू? सब लोग चले गए हैं और मैंने भी देखी यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ। इधर बना रही हूँ मैं खोया, सॉरी रबड़ी बना रही हूँ शाही टुकड़े के लिए, और यहाँ पर बन रही है हमारी पकौड़ियाँ, जो कि मैं इसको फुल्की बनाते हैं ना दही फुल्की, वो वाली बना रही हूँ आज। गाइस ये देखे, दोनों काले काले आए हैं, काले ही कपड़े पहन के। शर्म नहीं आई, काला बोल रही हो मुझे? तो और क्या, काले को काला ही बोलेंगे। वाह वाह, काले को काला ही बोला जाएगा। मैं गोरा हूँ। कैसे, ऐसे कैसे पता चलता है? हाथ से तो वही, तो दोनों चीज सेम ही लग रही हैं, तो कैसे पता चलेगा? ईद मुबारक हर किसी को। डेली से ज्यादा आज गर्मी है, आज मैं इसीलिए अभी तक किचन से फारिग भी नहीं हो पाई हूँ। फारिग नहीं हो पाई। फकीर लोग फारिग होते हैं। इतना मारूंगी ना, मेरे हाथ में चाकू है। मार दो, कर दो मेरी कुर्बानी। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह तौबा है। हमने ईद की नमाज अदा की है सुबह सुबह, दो रकात नमाज, ठीक है। हाँ। उसके बाद से ये ईद का पावन और पवित्र अवसर जो है आज का, नमाज बोल दे, पूरा बोलना भूल गया क्या? मैं दो रकात नमाज ही पढ़ी है। और वो तो नियत होती है पूरी, नियत थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं, दोबारा नमाज पढ़ूंगा क्या? बेहूदा इंसान, भूल गया तो बोल ना, भूल गया। मैं भूला नहीं, याद है, नहीं बता रहा, भूल गया। अरे कितने बार हाथ उठाए, कितने बार छोड़े, इतना तो याद। तीन बार कानों तक हाथ उठा के छोड़ना है, चौथी बार में पहले रकात में, चौथी बार में आपको हाथ अपने बांधने हैं, और दूसरी रकात के अंदर जब आप रुकू में जा रहे हो उससे पहले तीन बार हाथ उठा के कानों तक लेके जाने हैं, और चौथी बार में बिना हाथ उठाए कानों तक आपको रुकू में जाना है। जब हाथ उठाते क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। यस, ये भी तो बता। साथ के साथ गाइस आप लोगों को पूरी नमाज पता चल गई है, अब बताइएगा ये सही बताइए गलत बताइए इसने। भाई तुम्हारे वैसे ही लेट होते हम तो। हाँ हाँ, तो यार आज मत बुलाओ, हमारा मुंह मत बुलाओ, मत बुला दे, मुंह मत बुला दे मेरा, फिर ईद की बात मैं ईद में क्या बात है, मीठी ईद का खुल जाएगी। हाँ अपने घर के जाओ, पापा आ गए, खोल दो इनके राज, खोलो तुम जाके गेट खोलो। खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी आ गए हैं, ये देखो। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, आ जाइए रख के फिर ईद मुबारक। दोनों लोग, तभी तो मैं कह रही इन्होंने इसका ब्लू पहनना था आज, लेकिन वो चेंज कर दिया कुर्बानी की वजह से। ऐसा तो नहीं है, बस तेरा देख आधी आधे में करके देख लियो, खुद को देख ले। ने आदमी की सुनी नहीं जा रही तारीफ, इसको अस्सलाम वालेकुम में स्पेलिंग नहीं आती, गूगल पर सर्च करके डालता है, इसको डालता है। ऐसा भी है? बोल के भाई मुड़ गया, नजर भी नहीं मिलाई। अस्तक नहीं, अस्तक। हाँ नहीं, अस्तक, अस्तक ना, अस्तक है इन्होंने बोला। ईद की लख लख बधाइयां सबनू, सबनू ईद दिया लख लख बधाइयां। हाँ जी चलो ठीक है, चलिए गाइस सभी ये लोग जाते हुए। कौन क्यों फोन करेगा, वो रहता है तू? वो पहुंचने वाला होगा, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, इस टाइम में से ट्रैफिक मिलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय बॉयज, बॉयज बॉयज बॉयज। मतलब ये बॉयज हो गए, हम दोनों को गर्ल्स बता दिया, क्या बात है। इसको नहीं लगता, देखो एक चीज देखो, इसको इसकी तरफ जरा कैमरा ग्रो को वॉच करो, पास में लेके जाओ, ले गए ठीक है। अब थोड़ी सी गर्दन सीधी कर ले, क्यों लकवा मार रही है कि गर्दन तेरी? इसकी दाढ़ी मिटा दो बिल्कुल एकदम, हैं खड़ा रहना।
दाढ़ी हटा दो बेचारा चल दिया बाल थोड़े से ऐसे करके एकदम कर दो मुंह से मुझे एकदम साफ कर दो एक टॉप पहना के गले में एक चुन्नी डाल दो हाय हाय संतूर वाली माँ बन जाएगी सरारा सरारा कर रहा है वो देख लो अरे गेट खोल दो कहाँ से आ गए इंसान देख रहे हो गाइस कैसा मतलब क्या है तू ये ऐसा देखो कितना अब करो हट दर्द दूर हो गया बेटा अब उधर पूप सुसु भर के आता पहले सुसु भर मैं आ रही हूँ कितना मांग के जा रहा है देख रहे कितना मांग के जा रहा है क्या हो गया बोलने नहीं दे रहा कि बस बहुत हो गई बेइज्जती वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज़ तो ये लोग चले गए और मैं आ गई हूँ किचन में वापस से अल्हम्दुलिल्लाह गाइस देखो मेरा खाना बन गया है ये मैंने बनाए हैं मटन पाया जो कि आप देख सकते हैं बन चुके हैं मज़े के ये रहे मटन पाया मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और इसके साथ में बनाए हैं मैंने राइस देखिए अब ये भी जस्ट मैंने बना के रखे हैं तो ये भी गर्म है और आज इसके साथ हम लोग रोटी नहीं खाने वाले हैं क्योंकि दिल नहीं कर रहा है गर्मी है तो राइस के साथ ही खाएंगे इसलिए मैंने राइस बनाया तो चलो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ आप सभी को ईद मुबारक और गाइस अब मेरी ईद स्टार्ट हुई है पूरे दिन से मैं किचन में लगी हुई हूँ काम में और आज गर्मी जो है वो बेसुमार है बहुत ज़्यादा गर्मी और ये है मेरा ईद का आउटफिट पूरा दिख रहा है हम लोग पूरा दिखाओ पूरा तो ये मेरा ईद का आउटफिट है आप लोग बताना कैसा लगा कैमरामैन हमला के साथ कुछ फोटोज हो जाए गाइस मुझे ना पोज देने नहीं आते मैं बस अपने मन से जो मुझे आता है वही करने लग जाती हूँ वक्त हो गया है वीडियो को एंड करने का सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में